नमस्ते, जय श्री राधे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है मेरे कान्हा जी का छठियारा, तो इधर देखिए सब लोग आ चुके हैं, छठियारे की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, मेरे कान्हा जी के छठियारे का भोग तैयार हो चुका है। और इधर मैं भी तैयारी कर रही हूँ कान्हा जी का छठियारा पूजने की, तो उसके लिए मैं सारे सामान इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, छोटे से कान्हा जी लड्डू गोपाल मेरे गोद में आ चुके हैं। सबसे पहले इनको दूध में स्नान कराया जाएगा। आइए दीदी, दीदी आइए। उसमें उसमें अरे नली वाला जो है, नली ये देखिए दोस्तों, यहाँ कान्हा जी को आज छठियारे के दिन गाय के कच्चे दूध में 3 डुबकी लगवाई जाती है, पीछे सर पे हाथ लगा के। फिर इनको शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है, फिर वस्त्र पहना के, फिर श्रृंगार करके, फिर काजल का जो रस्म होता है वो किया जाता है। कान्हा जी को स्नान कराने के बाद लंगोट पहना के और कच्चे चावल पे फूल बिछा के थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। जैसे हमारे घर छोटे बच्चे को सूप में चावल रख के सुलाया जाता है, वैसे कान्हा जी को भी स्नान के बाद इनको कच्चे चावल पे रखा जाता है। फिर वो चावल अपने भंडार में रखना होता है, बहुत अच्छा होता है ये। Thank you.
आस जागल सुहागिन बड़ी भागिनिया ने दल उठावेली हो लाल पुरवा के दीपक आस जागल हो और ये देखिए दोस्तों मेरे कान्हा जी मेरे लड्डू गोपाल नहा धो के तैयार हो के काजल लगवा के अपने झूले पे बैठ गए हैं और अब सब लोग बारी बारी इनको झूला झुलाएंगे और जिसको जो भी बधैया देना होता है इसमें वो देता है। तो इस बार मैं इनके लिए करधन बनवा के लाई हूँ जो मैं इनको पहना दी हूँ। पानी दे दो।
दुरारी ना पापा और इधर खाना भी बनके तैयार है। कान्हा जी को भूख लग चुका है। तो आज का मुख्य खाना होता है कढ़ी चावल लुचवानी पूड़ी साग दाल, यही सब कान्हा जी को आज भूख लगता है। और भी मिठाई और भी कई आइटम टाइम पर आ आज था मेरे कान्हा जी का छठियारा और ये 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत ही अच्छा लगा। रोज सुबह शाम आरती पूजा पाठ रोज शाम को सोहर होता था, इतना अच्छा लगता था कान्हा जी के साथ। और आज है छठवां दिन, आज छठियारा हो गया, कल से पूजा पाठ तो होगा लेकिन सोहर वगैरह जो रोज शाम को होता था वो अब नहीं होगा। तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो सभी लोग खा पी के जा चुके हैं और मेरे वहाँ भंडारा था वो ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए भंडारे में सबसे छोटा बच्चा रह गया था खाना खाने के लिए, वो अभी को खा रहा है। और सब खाना खा के जा चुके हैं, बस मैं और मेरी जेठानी बचे हैं। तो हम लोग सारा काम वाम ख़त्म करके फिर खाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय जय श्री राधे।